तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और मैं आज हूँ SM कन्नप्पा ऑटोमोबाइल्स लालबाग बेंगलुरु में, और आपके सामने है गोवा सालसेट की सबसे पहली वोल्वो आइचर कमर्शियल व्हीकल्स के आइचर 6019 13.5 मीटर चेसिस पर बनाई गई प्रकाश कैपेला एसी स्लीपर बस, जो कि ओन की है जॉली ट्रैवल्स ने। जॉली ट्रैवल्स ये गोवा का काफ़ी नामचीन ऑपरेटर है, 1990 से ये ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी इस गाड़ी का वाटर टेस्टिंग हो चुका है, अंदर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो सब वाटर टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं। और आगे की ओर से कुछ ऐसी दिखती है, गिफ्ट ऑफ गॉड ऐसा लिखा हुआ है बस पे, गो गोवा बस यहाँ पर भी मेंशन है, BS6 का मेंशन है, प्रकाश का लोगो आ जाता है अच्छा सा। यहाँ पे एक मिरर, ऊपर की ओर मिरर, टोटल 4 मिरर है इस गाड़ी में अभी। वहाँ पे एक CCTV कैमरा है। साइड से कुछ ऐसी दिखती है, जॉली ट्रैवल्स की ऊपर ब्रांडिंग, यहाँ पे पायलट ऐसा लिखा हुआ है। और इस गाड़ी में जो जो आपको एमिनिटीज सुविधाएं है यहाँ पे मेंशन की है, फायर एक्सटिंग्विशर, ब्लैंकेट, पिलो, CCTV, ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड वॉशरूम एंड आल्सो वाटर बॉटल एंड वाईफाई। द लिमोजिन बिजनेस क्लास ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कुछ अलग सा, तो आपने देखा होगा कभी कभी कि बिजनेस क्लास, ये क्लास, वो क्लास यहाँ पे लिखा हुआ होता है बसेस पे। पीछे ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी है, मुंबई टू गोवा रूट पे ये बस चलेगी, तो गो गोवा बस ऐसा लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग है वो। पीछे की ओर, ऊपर की ओर रिवर्स पार्किंग कैमरा आ जाता है। इमरजेंसी एग्जिट का डोर है ये। और जॉली ट्रैवल्स सिंस 1990 है, इनका इंस्टाग्राम पेज इन्होंने हाल ही में शुरू किया है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। सो अभी सब रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होंगे, यहाँ के जो प्रकाश का स्टाफ है वो पूजा एंड ऑल परफॉर्म कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बीच में जो खड़े हैं सर, वो इसके ओनर है, बाबूश सर इनका नाम है, वो गोवा से ही है। और ये हमारे बस फैन निर्मल भाई, सौरभ भाई, ये सब रिकॉर्ड कर रहे, फोटो निकाल रहे, श्रेयस इज देयर, इवन पृथ्वी। ऑस्टिन सर भी है पीछे की ओर, आप देख सकते हैं। सो अभी की हैंडओवर और शायद डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर का प्रोग्राम अभी है। ये प्रकाश के एम्प्लॉय ओनर को गाड़ी की चाबियां वगैरह दे रहे हैं, और यहाँ पे ओनर का नेम मेंशन किया हुआ है, फ्रॉम SM कन्नप्पा ऑटोमोबाइल्स। तो
और इनके फ्लीट में दो नई बसेस ऐड हो चुकी हैं। और कल हॉस्टन सर का बर्थडे भी था तो वो आज सेलिब्रेट हो रहा है। सो हॉस्टन सर हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की है उन्होंने। पिछले दो दिन से वो यहाँ प्रकाश प्लांट में है। तो अभी इस गाड़ी को हम अंदर से देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है। एंटर करते ही आइचर की चेसिस से वोल्वो आइचर कमर्शियल व्हीकल्स, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ऊपर की ओर जीसस क्राइस्ट का पिक्चर है, दो फैन है, एक को ड्राइवर के लिए एक ड्राइवर के लिए, CCTV कैमरा है सेफ्टी के लिए, यहाँ पे को ड्राइवर के लिए सोने के लिए बर्थ है यहाँ पे। इसी के कंट्रोल्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, उसका डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बाकी के लाइट्स के स्विचेस यहाँ पे है और ड्राइवर के लिए चार्जिंग पोर्ट है, USB चार्जिंग पोर्ट, और डोर ऑपरेट करने का बटन वहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे है, जो यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में होता है ड्राइवर के। मिरर कंट्रोल करने के लिए बटन है वहाँ पे, जो 4 एरोज आप देख रहे हैं। और ये इस गाड़ी की डिकी है और वहाँ पर भी CCTV फिट किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया चीज़ मुझे लगी। अब देख सकते हैं ये लास्ट कंपार्टमेंट है और वहाँ पे CCTV फिक्स किया गया है और स्पेयर टायर यहाँ पे है। तो काफ़ी बढ़िया ऐसा बूट स्पेस है इस बस का। तो इस बस में आपको ऑनबोर्ड वॉशरूम भी मिल जाता है, मतलब जैसे ही आप एंटर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आप बर्थ्स की तरफ चले जाएंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है, क्लीन हाइजीनिक है, छोटा सा बेसिन है राइट हैंड साइड में। और जेट स्प्रे है फॉर यूरिनल यूज ओनली, ये काफ़ी ज़रूरी है, या फिर यू हैव टू पे 2000 रुपीज़ फाइन। यहाँ पे जेट स्प्रे है और ये दो बटन्स राइट हैंड साइड में जो दिए हैं उससे एक्चुअली फ्लश होता है। अभी शायद ऑपरेशन में नहीं है तो शायद पानी नहीं हो, बट ये कुछ अलग देखने को मिला। तो यहाँ इस वॉशरूम का लाइट है, वो जो बटन है उससे लाइट बंद होता है अंदर का और चालू होता है। अब देखिए बंद हो गया लाइट। और अभी मैं बताता हूँ ये वॉशरूम का पानी कहाँ जाता है, पानी आता कहाँ से, ये सब बताता हूँ, काफ़ी लोग इसके बारे में क्यूरियस होंगे। तो ये वाटर टैंक है, तो ये चालू कर देंगे तो ऊपर पानी चल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर है और जो पानी है वॉशरूम से, मतलब जो टॉयलेट सीट से नीचे आएगा, वो इस पाइप से नीचे आते हुए यहाँ से ये पाइप यहाँ आ गई और हियर इज़ द आउटलेट। सो काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है ये जाता कहाँ है, पानी आता कहाँ से है, तो दैट इज़ द थिंग। तो इस बस को अंदर से एक बार दिखा दूँ, 34 AC स्लीपर बर्थ्स है, 13.5 मीटर को 36 होते हैं, पर ये वॉशरूम लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए दो कम हो गए हैं। 2x1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जॉली ट्रेवल्स की ब्रांडिंग, पीछे की ओर भी एक CCTV कैमरा, और लास्ट वाले जो बर्थ है उसकी जो हेड की पोजीशन है हेड रखने के लिए वो अपोजिट है। और ये जो AC वेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया लगे, कूल लगे, हटके लगे मुझे, मतलब एकदम कार जैसे AC वेंट यहाँ पे है। 3-pin चार्जिंग सॉकेट प्लस USB दोनों आ जाते हैं, बॉटल होल्डर्स आ जाते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, प्रकाश है तो नो डाउट एवरीथिंग विल बी बेस्ट। CCTV कैमरा यहाँ पे,
और थ्री पिन चार्जिंग सॉकेट है तो फिर आप वर्क फ्रॉम बस कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो लैपटॉप लेके अपना वर्क फ्रॉम बस भी कर सकते हैं। ये सब देखिए प्रीमियमनेस, एवरीवेयर प्रीमियमनेस। यहाँ पे आप अपना सैक हो, छोटा मोटा लगेज हो वो रख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी सही है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, दो एसी वेंट, एक्चुअली एक यहाँ पे और पैर को भी एक दिया हुआ होता है यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एसी वेंट है और नीचे वाला जो बर्थ है उसमें भी काफ़ी बड़ा अच्छा सा विंडो पेन आपको मिल जाता है। यहाँ पे दूसरा एसी वेंट आपको मिल जाता है।